बिग स्टॉक्स hmm, आज बिग स्टॉक्स में कौन कौन से बिग स्टॉक्स में पहले तो बैंक्स रेड में बैंक्स की बात करते हैं क्योंकि जो आर uh, ने नियम जारी किए हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को लेकर वो थोड़े से नेगेटिव हैं इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग बेस्ड डिपॉजिट्स को लेकर uh, जो uh, बात हो रही है और इस पर आई का कहना है कि लिक्विडिटी कवरेज रेशो पे 11 से 18 परसेंट का इम्पैक्ट आएगा बेचारा एक ऐसा सेक्टर जो पहले दिक्कतों से गुजर से से प्रॉब्लम है इंटरनेट से पैसा तो जा रहा है लॉक तो हो रहा है यार भी ऐसे पूछिए <laughs> मैं, मैं कैसे बताऊँ मैं तो खैर खुद मान रहा हूँ बट एनी भी ड्राफ्ट है हाँ। अभी कॉमेंट्स हाँ। मांगे हैं तो देखते हैं क्या होता हाँ। हाँ। है फेडरल बैंक जिसके नंबर्स इतने अच्छे थे चल रहा था स्टॉक आई थिंक उस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा तो ऑब्वियसली उसका उस पर ध्यान रखेंगे आ, और ये एक और दिक्कत है बैंकिंग जैसे सेक्टर में कि नंबर अगर अच्छे भी आए हो किसी के तो अगर ओवरऑल सेक्टर खराब है तो वो क्या करेंगे वैसे खैर मुझे लग रहा है फेडरल में अगर डिप मिली तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि नंबर्स उसके बहुत अच्छे थे तो एक्सो फेडरल मुझे लग रहा है बैंकों पे ध्यान दें तो ये एक सेक्टर हो गया टू वॉच उसके अलावा जो मैं आज स्टॉक्स लेकर चल रहा हूँ वो ज़्यादातर ब्रोकरेज व्यूज़ पर हैं पहला तो रैमको सीमेंट थिंक रैमको के नंबर्स आए थे नंबर्स खराब हैं रैमको के रैमको के साथ एक ही इशू बस ये है कि इसका वैल्यूएशन कंफर्टिंग है और एक अच्छे ग्रुप की कंपनी है रैमको ग्रुप जो साउथ का है ना वो बहुत आ, वेल नोन ग्रुप है और वो जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट बनी है उसके हिसाब से बहुत लोगों को लगता है कि ये स्टॉक अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो शायद डबल भी हो सकते हैं ये स्टॉक्स लेकिन आज नंबर्स खराब हैं सी ने मंदी का नजरिया दिया है हालांकि मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा गिरेगा स्टॉक क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है स्टॉक एक महीने में सात आठ परसेंट गिर चुका है आपको याद होगा पिछले महीने साउथ में सीमेंट प्राइस कट हुए थे उसके बाद यह स्टॉक भी गिरा था लेकिन टारगेट सिक्स फाइव किया है सी ने और ये सी को लग रहा है कि स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा जो नंबर मुझे अच्छे लगे वो मार्केट बंद होने के तुरंत बाद आए थे वो है ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर मॉर्गन स्टैनली एक तेज़ी का व्यू लेकर चल रहा है उनका एक ओवरवेट कॉल है और 850 का टारगेट प्राइस है वहाँ पर और जो क्यू वन नंबर्स हैं वो उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये स्टॉक जो है वो उनको अच्छा लग रहा है तो ये एक स्टॉक होगा जो मेरे फेवर में होगा अच्छा कल ये डेल पर बंद हुआ था ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो हो सकता है आज यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी आ जाए तो ये दूसरा हो गया अशोक लेलैंड अशोक लेलैंड एक और स्टॉक है जहाँ पर आई थिंक बहुत लोग शॉर्ट थे लेकिन लोअर लेवल से आ, कल भी अच्छी रिकवरी आई और मार्केट मार्के, मैनेजमेंट की कॉमेंट्री अच्छी थी नमूरा ने बाय टारगेट दिया बाय का व्यू दिया 247 का टारगेट उनके हिसाब से Q1 में अबिडा मार्जिन में अच्छी बढ़ोतरी होगी और पावर और डिफेंस सेगमेंट ये भी अच्छा कर रहे हैं इनके लिए और ये स्टॉक भी थोड़ा करेक्ट हो चुका है इसके लिए इसको ग्रीन में लेकर चल रहे हैं और फाइनली टाटा पावर को मैं आज ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह एक यू की रिपोर्ट पढ़ रहा था और यू का बहुत अग्रेसिव एक रिपोर्ट uh, आया यहाँ पर जहाँ पर उन्होंने बाय का एक कॉल uh, लिया है और 510 का टारगेट है वहाँ उनको लग रहा है कि एनर्जी स्पेस में एक अच्छा ट्रांजेक्शन दिख रहा है इसके लिए तो ये आज के हमारे बिग स्टॉक्स बहुत बढ़िया बहुत इंटरेस्टिंग बैंक्स और बैंक्स में भी खास तौर पे फेडरल बैंक जिस पे शायद दिक्कत ज़्यादा आए इस डेवलपमेंट के बीच लेकिन वो भी अट्रैक्टिव है अपने नंबर्स के बाद से तो तो गिरावट में शायद खरीदारी करने के मौके बन जाए रैमको सीमेंट्स अपने रिजल्ट्स और ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड के चलते एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट्स के इंटरनल्स वाकई अच्छे टाटा पावर पे भी एक इंटरेस्टिंग यूबीएस की रिपोर्ट आती हुई और अशोक लीलैंड भी अपने डापे रखिएगा जहां पर नोमोरा का एक बढ़िया सा बाय आइडिया आता हुआ ये हो गया आज के बिग स्टॉक्स पैनल को दिखाइए और साथ साथ पैनल के दिखाइए आज का टॉप कॉल्स का स्टिंग बारिश ज्यादा है क्या बाहर नहीं पांच हो गए <laughs> तो सब मुंबई में रेड अलर्ट चल रहा है थोड़ा आज, तो आज, आज, से, से आज बच्चों को फ्री की छुट्टी मिल सब है सब समय तक बीएमसी का वो ट्विटर हैंडल ढूंढ रहे थे छुट्टी कि नहीं कोई छुट्टी नहीं करी बीएमसी ने फाइनली गावा सर तबियत थोड़ी नासाज है सुना आप क्या बारिश में नहीं बिगा था मैं प्रॉमिस करता हूं मुझे प्लान तो किया था कि वाटरफॉल में जाऊंगा स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले गया था टॉवल भी ले गया था लेकिन मुझे जाने नहीं दिया तो मैं गिला नहीं हुआ